हेलो बच्चों, हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू फिजिक्स वाला। मैं हूं आपकी बायोलॉजी मेंटर भाग्यश्री। बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि मैम हमें वन शॉट वीडियो चाहिए हेयर डटी एंड एवोल्यूशन के। मैम मुझे नहीं समझ में आया हेयर डटी, मुझे मेंटल एक्सपेरिमेंट नहीं समझ में आया। तो बहुत सारे बच्चों के इस चैप्टर में बहुत सारे डाउट्स हैं, ठीक है। तो इसीलिए हियर आई एम। तो आज हम डिस्कस करेंगे हेयर डटी एंड एवोल्यूशन। हम देखेंगे मेंडल का एक्सपेरिमेंट कैसा था और मेंडल ने उस एक्सपेरिमेंट के में क्या क्या चीज़ें करी है। बट उससे पहले हैप्पी होली इन एडवांस टू एवरी वन ऑफ यू, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं विथ आवर चैप्टर हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। देखिए सबसे पहले ये हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन जो चैप्टर है उसमें हम क्या पढ़ेंगे। उसमें हम पढ़ने वाले हैं कि ये जो हम अपनी पेरेंट्स की तरह थोड़ी हमारे बीच में सिमिलरिटीज होते हैं। लोग कहते हैं कि इसकी आंखें पापा की तरह है, इसकी जो कलर है मम्मी की तरह है। तो ये क्या है? दिस आर सम कैरेक्टर्स जो हम किससे एक्वायर्ड करते हैं, किससे मिलता है ये सारे कैरेक्टर्स हमें। ये हमें मिलता है हमारे अपने पेरेंट्स से। तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि आखिर ऐसा क्या चीज़ है जिसके वजह से ऐसे कैरेक्टर्स ट्रांसफॉर्म होते हैं, ठीक है। तो वही हम देखेंगे। बट उससे पहले देखिए सबसे पहले क्या दिया गया है। सबसे पहले दिया गया है रिप्रोडक्शन के बारे में। जाहिर सी बात है ह्यूमन में क्या होता है, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म जो हायर ऑर्गेनिज्म है उनमें सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ही होता है। जिसमें क्या होता है, जिसमें दो ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व होते हैं, दोनों से गैमेट आते हैं, फर्टिलाइजेशन होती है एंड आफ्टर दैट डेवलपमेंट ऑफ द ऑफस्प्रिंग होता है। खैर वहां हम इतना ज्यादा नहीं जाएंगे क्योंकि लास्ट हमने वीडियो में देख लिया था कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। तो देखिए रिप्रोडक्शन में हमने और एक चीज पढ़ी थी कि जब भी रिप्रोडक्शन होती है वेरिएशन तो आती ही आती है। व्हाई? बिकॉज रिप्रोडक्शन में डीएनए की कॉपी होती है और डीएनए की जो ये कॉपी है इट इज अ केमिकल लोचा, ठीक है, एक केमिकल ये प्रोसेस है। तो जाहिर सी बात है केमिकल प्रोसेस हमेशा सेम नहीं रहते। तो इसीलिए क्या होता है, रिप्रोडक्शन में वेरिएशन आती है। बट ये जो वेरिएशन है अगर छोटा मोटा वेरिएशन है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बट सोचो बूंद बूंद से सागर बनती है, डायलॉग है। तो वैसे ही छोटे छोटे वेरिएशन कभी कभार क्या होता है, एक्यूमुलेट होके जाता है, कभी कभार वो जमा होते जाते हैं एंड इट विल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट विल स्टार्ट शोइंग सम चेंजेस। ये वेरिएशन बड़ी हो जाती है जिसकी वजह से हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। जैसे कि हमारे एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल दिया गया है इसके ऊपर। ये एग्जाम्पल बेसिकली उन ऑर्गेनिजम्स के ऊपर ज्यादा सूट करेगा जिसमें सिर्फ असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम देखें सिर्फ एक ही ऑर्गेनिज्म से शुरू हुआ है ये वेरिएशन, तो हम मान लेते हैं कि दिस इज अ बैक्टीरिया और किस तरह बैक्टीरिया में वेरिएशन आई हुई है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि यहाँ ये जो बैक्टीरिया है इसमें ऑल ओवर सब कुछ ब्लू कलर का है। बट अगेन वेरिएशन आया ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, तो क्या हुआ, ऑफस्प्रिंग में कुछ रेड और कुछ हमारे ऑफस्प्रिंग में ग्रीन कलर के चेंजेस आए। अब दोबारा से जब इन्होंने रिप्रोडक्शन किया तो आप देख सकते हो और भी चेंजेस आए। जैसे कि यहाँ क्या हुआ, ये ब्लैंक हो गया और फिर यहाँ क्या हुआ, एक और अगेन पिंक कलर की आ गई। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या हुआ, बहुत ज्यादा चेंजेस कुछ नहीं आया, ग्रीन था तो दोनों ही ऑफस्प्रिंग ग्रीन ग्रीन बने। तो इस पूरे डायग्राम में हमें क्या दिखाने की कोशिश किया जा रहा है कि जो वेरिएशन है, वेरिएशन होती है, वेरिएशन ओवर टाइम जमा होती जाती है एंड इट स्टार्टेड शोइंग इट्स इफेक्ट आफ्टर इट्स एक्यूमुलेशन। प्लस ये जो डायग्राम है इट इज बेस्ट सुटेबल फॉर यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म जिसमें असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होती है। बट हम अगर अपने में देखें, हम अगर हायर ऑर्गेनिज्म में देखें जिसमें क्या होता है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होती है, तो उसमें तो वेरिएशन होना ही होना है। क्यों? बिकॉज हमेशा दो अलग अलग पेरेंट की क्रोमोसोम्स आते हैं, दे गेट फ्यूज और दे गेट मिक्स्ड अप इन द इवेंट ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो जाहिर सी बात है हम में तो होनी ही होनी है, बट एसेक्सुअली प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म भी वेरिएशन से बचते नहीं है, ठीक है। सो वेरिएशन क्या है, वेरिएशन इज दी चेंज ओवर टाइम
और ये कभी भी अचानक से एक ही चेंज में नहीं आएगा, हो सकता है इट गेट एक्यूमुलेटेड। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि डू ऑल ऑर्गेनिज्म हैव इक्वल चांसेस ऑफ सर्वाइवल। अब देखिए हमने यहां देखा कि वेरिएशन आया, कहीं पे लाल आ गया, कहीं पे ग्रीन आ गया, कुछ भी आ गया, बट क्या हर वेरिएशन एक अच्छा चांस बनाती है कि वो ऑर्गेनिज्म और फिट बन जाएगा और वो सर्वाइव कर पाएगा? नो, हर वेरिएशन अच्छा नहीं होता। जरूरी नहीं है कि जो भी चेंज है हमेशा वो अच्छे के लिए ही हो। कभी कभार वेरिएशन जो है इट कैन बी लीथल। लीथल का मतलब है खतरनाक। कभी कभार कुछ ऐसे वेरिएशंस भी हो सकते हैं जिसके वजह से क्या होगा, ऑर्गेनिज्म मर जाएगा। सिंपल आप एग्जांपल ले लो, रिप्रोडक्शन को अगर हम भूल जाते हैं, नॉर्मल सेल डिवाइड होता है माइटोसिस से, एक से दो सेल बनते हैं, दिस इज अ नॉर्मल साइकिल। बट वही जब कैंसर किसी को हो जाता है तो क्या होता है, सेल स्टार्टेड डिवाइडिंग एबनॉर्मली, जिसके वजह से क्या होगा, ट्यूमर की फॉर्मेशन होगी। तो नॉर्मल सेल से जो ये डेविएशन आई अचानक ओवर डिविजन की, क्या ये सही था? नहीं, इट इज नॉट राइट। तो वैसे ही यहां पे भी वही चीज है, वेरिएशन कभी कभार इट्स गुड, इट्स लीड टू द सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनिज्म, बट वेरिएशन कभी कभार खतरनाक भी हो सकते हैं, ऑर्गेनिज्म को वो खत्म भी कर सकते हैं। तो ये एक प्रोबेबिलिटी है, डिपेंड करेगा कि किस टाइप की वेरिएशन है और ऑर्गेनिज्म उस वेरिएशन के साथ किस तरीके से रिएक्ट कर रही है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अब देखिए, बिफोर स्टार्टिंग विथ हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन वी हैव टू अंडरस्टैंड सम टर्म्स, कुछ टर्म्स जानना बहुत जरूरी है। जैसे कि नंबर वन इज जीन्स, क्योंकि बार बार रिपीट होगा जीन्स जीन्स, जीन फ्लो, जीन ये जीन वो, क्या है जीन। सेकेंड पॉइंट हमें जानना है एलील्स, एलील्स क्या है। अब मेंडल के बारे में जब हम पढ़ेंगे, मेंडल के एक्सपेरिमेंट जब पढ़ेंगे, बार बार रिपीट होगा एलील्स होते हैं, फिर एक डोमिनेंट होता है, दूसरा रिसेसिव होता है, क्या है ये एलील्स। एंड देन हेरिडिटी इनहेरिटेंस क्या है, इनहेरिटेड ट्रेट्स क्या है एंड एक्वायर्ड ट्रेट्स क्या है। तो सबसे पहले जीन क्या होता है। अब आप मान लो डीएनए विच इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, वो एक बहुत लंबी रिबन है, ठीक है। हम मान लेते हैं कि डीएनए जो है इट इज अ वेरी लॉन्ग रिबन, और इसी के कुछ छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं जिससे हमारे क्या बन सकते हैं, जिससे हमारे प्रोटीन बन सकते हैं। तो डीएनए क्या है, डीएनए पूरी लॉन्ग रिबन है और उसके जो छोटे छोटे पार्ट्स है, छोटे छोटे सेगमेंट्स है जिससे प्रोटीन बनते होंगे, उससे हम क्या, प्रोटीन देखो डायरेक्टली नहीं बनते, वो एक अनदर प्रोसेस है, पर वहां हम नहीं जाएंगे। हमें बस ओवरऑल समझना है कि डीएनए पूरा रिबन है और उसके छोटे छोटे जो हिस्से हैं, जो सेगमेंट्स है जिससे प्रोटीन बनेंगे, वो क्या है, वो है हमारे जीन्स। दैट मीन्स क्या है जीन्स, दे आर सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट कोड्स फॉर प्रोटीन, ओके। अब ये एलील्स क्या है, अब सिंपल सी आप एग्जांपल ले लो, बालों के बारे में अगर हम बात करें, वी हैव डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ हेयर, किसी के बाल ब्लैक कलर के होते हैं, किसी के ब्राउन कलर के होते हैं, किसी के हो सकते हैं ब्लॉन्ड हो, जो मैंने यहाँ डायग्राम में दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेयर्स मैंने किया हुआ है। अब ऑब्वियसली बात है जीन्स क्या है, जीन्स है सेगमेंट ऑफ डीएनए जो क्या करेगी, बालों के लिए प्रोटीन बनाएगी, मान लीजिए कैरेटीन बना रही है। अब देखो कैरेटीन ब्लैक कलर के बालों के लिए भी बनेगी, कैरेटीन ब्लॉन्ड बालों के लिए भी बनेगी, बट उसके अलावा अगर हम कलर का देखें, ठीक है, सो कलर में क्या होगा, अलग अलग हमारे हो सकते हैं जीन्स हो, कुछ हमारे ब्लॉन्ड के लिए जीन्स होंगे, कुछ हमारे ब्लैक कलर के लिए जीन्स होंगे, राइट। तो उनसे क्या बनेगा, अलग अलग हमारे पिगमेंट्स बनेंगे जिसके वजह से हेयर कलर अलग अलग होगा। तो एलील क्या है, डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन्स, हेयर्स ओवरऑल एक ही जीन है, उसी जीन के अलग अलग हमारे फॉर्म्स होंगे जिसके वजह से क्या होगा, अलग अलग हेयर कलर्स होंगे। तो ये एलील्स क्या है, एलील्स होते हैं वेरिएंट ऑफ जीन्स, दैट मीन्स डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ जीन्स, ठीक है। और ये हमेशा कैसे रहते हैं, ये हमेशा जुड़े रहते हैं, हमेशा कपल के फॉर्म में रहते हैं, ठीक है। तो इनकी कभी ब्रेकअप नहीं होती, होती है ब्रेकअप, वो हम मेंडल के एक्सपेरिमेंट में देखेंगे, बट यूजुअली दे यूज टू रिमेन इन अ पेयर। अब देखिए हेरिडिटी, हेरिडिटी क्या है, तो हमें जो भी कैरेक्टर्स मिलते हैं अपने पेरेंट्स से, इट इज हेरिडिटी, ठीक है, वो है हेरिडिटी। आंखों का कलर मिल गया पापा की तरह, ओके, इट इज हेरिडिटी। मम्मी की तरह हेयर्स मिल गए, इट इज हेरिडिटी।
और इनहेरिटेंस क्या है? इनहेरिटेंस इज द पाथवे, जिस तरीके से हमें मिलता है. सो हेरिडिटी इज द ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर, और किस तरीके से, किस पाथवे से मिलता है उसे हम कहते हैं इनहेरिटेंस, और किस तरीके से वो एक्सप्रेस होता है, ये पूरी जो प्रोसेस है इट इज इनहेरिटेंस. ठीक है, अब देखिए इनहेरिटेड ट्रेट एंड एक्वायर्ड ट्रेट क्या होता है. जो भी हमें अपने पेरेंट्स से मिलती है इट इज आवर इनहेरिटेड ट्रेट, और जो हम अपने लाइफ टाइम में एक्वायर करते हैं, दैट मींस मैं अगर रन करने लग गई कल से तो हो सकता है 2 साल बाद मैं एथलीट बन जाऊं, नहीं बनूंगी बट स्टिल हो सकता है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, राइट. तो हो सकता है मैं बन जाऊं एथलीट, ठीक है. तो ये क्या है, दिस इज अ एक्वायर्ड ट्रेट. मैं मर जाऊंगी तो मेरे रनिंग स्किल्स भी मेरे साथ खत्म हो जाएंगे, इट विल नॉट पास टू माई जनरेशन. तो जो भी हमें अपने पेरेंट्स से मिलती है इट इज इनहेरिटेड ट्रेट्स, और जो हम अपने लाइफ में थ्रू आवर नॉलेज थ्रू आवर एक्टिविटीज एक्वायर करते हैं दे आर आवर एक्वायर्ड ट्रेट्स. इनके बारे में हम इन और डिटेल देखेंगे आगे, बट फिलहाल इतना ही हमें जानना है, जीन क्या है, एलिलीज क्या है, हेरिडिटी क्या है एंड इनहेरिटेंस क्या है. तो चलिए अब जल्दी जल्दी से हम देख लेते हैं मेंडल का एक्सपेरिमेंट. अब मेंडल के एक्सपेरिमेंट में जाने से पहले एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार हमारी एवोल्यूशन वाली पार्ट नहीं आ रही है, तो दैट मींस हेरिडिटी से जितनी भी क्वेश्चंस आएंगे सिर्फ और सिर्फ मेंडल के एक्सपेरिमेंट से प्लस सेक्स डिटर्मिनेशन से आएंगे. तो ये पोर्शन तो हमारे दिमाग में क्लियर होना ही होना है. तो इसीलिए एकदम बेस से शुरू करते हैं कि आखिर मेंडल ने इतने सारे प्लांट के वैरायटी में से सिर्फ पी प्लांट को ही क्यों चूज किया, व्हाई द पी प्लांट वाज द लकीएस्ट वन, ऐसा क्या था पी प्लांट में. तो मेंडल ने पी प्लांट को इसीलिए चूज किया था क्योंकि इट इज एन एनुअल प्लांट, ठीक है, क्या था, एनुअल प्लांट था, दैट मीन्स उसकी जो लाइफ स्पैन थी वो बहुत शॉर्ट था, एक ही साल के अंदर फ्लावरिंग भी हो जाती, एक ही साल के अंदर उसकी पूरी लाइफ साइकिल खत्म हो जाती, दैट मीन्स लाइफ साइकिल शॉर्ट है, तो हम बहुत ही कम टाइम में बहुत सारे जनरेशन ग्रो कर सकते हैं. क्योंकि अभी हमने मेंडल के एक्सपेरिमेंट में हम देखेंगे भी कि किस तरीके से उसने F1 जनरेशन ग्रो किया, फिर F2 जनरेशन ग्रो किया, तो इतने जनरेशन कैसे पॉसिबल हुआ, क्योंकि टाइम जो उसकी लाइफ स्पैन थी वो कम थी, ठीक है. तो देखिए जिसको भी नहीं समझ में आ रहा है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है बोर्ड्स में कि मेंडल ने पी प्लांट को ही क्यों चूज किया, तो बहुत जानना जरूरी है. सबसे पहले तो वो क्या था, एनुअल प्लांट था. सेकेंड क्या था, इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स, ओके, सो इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स, जैसे कि हम भी अभी देखने जाएंगे कुछ प्लांट्स लंबे हो जाते थे, कुछ प्लांट्स शॉर्ट्स थे, कुछ के रिंकल सीड्स थे, कुछ येलो सीड्स थे, स्मूथ सीड्स थे, तो ये सब क्या कैरेक्टर्स है, दीज आर द कैरेक्टर्स दैट कैन बी इजीली ऑब्जर्वेबल. हमें पी प्लांट को काट कूट के देखने की कोई जरूरत नहीं है, हम उसको देख के पता लगा लेंगे अच्छा ये तो रिंकल है, ये तो येल्लो है, ये तो ग्रीन है. तो इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे वो बहुत ज़्यादा इजिली ऑब्जर्वेबल थे, ठीक है, बहुत ज़्यादा ईजी थे. उसके अलावा क्या था, द क्रोमोजोम नंबर, क्रोमोजोम नंबर जो था वो भी बहुत कम था, क्रोमोजोम नंबर इसकी बहुत कम थी. सो हियर्स अ क्वेश्चन, कमेंट बॉक्स में लिखिए कितनी थी पी प्लांट की क्रोमोजोम नंबर. एंड द लास्ट पॉइंट इज दैट पी प्लांट इज सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट, दैट मीन्स मिक्सिंग के कोई चांसेस हो ही नहीं सकता, सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट है. तो जब तक हम दो अलग अलग वैरायटी को मिक्सअप नहीं करेंगे, उनकी ब्रीडिंग नहीं करेंगे, ये प्लांट सेल्फ पॉलिनेट ही करेगी, तो एक प्योर लाइन मेंटेन्ड होता है. इसके वजह से मेंडल ने पी प्लांट को चूज किया था. देयर आर 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है, एक तो एनुअल है, दूसरा इजिली ऑब्जर्वेबल है, तीसरा क्रोमोसोम नंबर बहुत ही कम था, और चौथा था कि सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट था. अब आते हैं मेंडल के एक्सपेरिमेंट में. सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट है मेंडल का, इट इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस. नाउ व्हाट इज अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड, मोनो का मतलब होता है वन, ठीक है, हाइब्रिड का मतलब क्या होता है, इट इज अ मिक्सिंग ऑफ समथिंग, मिक्स मतलब, जैसे कि आप देखो किसी नॉर्थ इंडियन के साथ अगर किसी साउथ इंडियन ने शादी कर लिया, ठीक है, द ऑफस्प्रिंग विल बी क्या होगा, वो नॉर्थ इंडियन होगा या साउथ इंडियन,
इट विल बी समथिंग मिक्स, ठीक है, वो एक हाइब्रिड बनेगा. कुछ कैरेक्टर्स उसके नॉर्थ इंडियन होंगे, कुछ कैरेक्टर्स उसके साउथ इंडियन जैसे होंगे. तो हाइब्रिड का मतलब है कि हमने दो अलग अलग चीजों को मिक्स कर दिया है, जैसे कि नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया. वैसे ही मेंडल ने भी क्या किया था, दो अलग अलग प्लांट को मिक्स कर दिया था. एक प्लांट क्या था, एक लंबा था, दूसरा शॉर्ट था इस एक्सपेरिमेंट में. तो दोनों अलग अलग प्लांट थे. मोनो का मतलब क्या है, वन. तो इस एक्सपेरिमेंट में मेंडल ने क्या किया था, सिर्फ एक कैरेक्टर को देखा था, क्योंकि बहुत सारा कैरेक्टर. अब देखो, हम अगर ये बहुत सारे बुक, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सब एक साथ लेके बैठ जाएंगे तो हम कुछ भी नहीं पढ़ पाएंगे. बट अगर हम स्टेप बाय स्टेप लेंगे कि अच्छा चलो आज फिजिक्स पढ़ लेते हैं, आज बायो पढ़ लेते हैं, तो क्या होगा, चीजें स्टेप बाय स्टेप ठीक होगा. तो इसीलिए जब मेंडल ने ये एक्सपेरिमेंट किया था, उनको भी लगा कि रेडर में सब कुछ एक साथ ले लूं, मैं एक कैरेक्टर पहले लेके देखता हूं. और इसीलिए उन्होंने सिर्फ एक ही कैरेक्टर लिया था इन दिस एक्सपेरिमेंट, जिसकी वजह से इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस. ठीक है, सिर्फ एक कैरेक्टर लिया था. और क्या था वो कैरेक्टर, वो कैरेक्टर था हाइट ऑफ द प्लांट. ठीक है, वो कैरेक्टर था हाइट ऑफ द प्लांट. और मेंडल ने इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया था, मेंडल ने इस एक्सपेरिमेंट में एक टॉल प्लांट को एक शॉर्ट प्लांट के साथ क्रॉस करवा दिया था. दैट मींस उसने इनके बीच पॉलिनेशन करवा दिया. ठीक है, अब उसके बाद मेंडल लुकता रहा कि अरे यार रिजल्ट आ जाए, कुछ हो जाए, क्या आएगा इसका रिजल्ट. देन मेंडल ऑब्जर्व्ड, मेंडल को क्या लगा, जब इनके बीच क्रॉस करवाया गया, मेंडल फाउंड दैट All the plants in F1 generation are tall. ठीक है, सारे के सारे प्लांट, जितने भी लंबे लंबे प्लांट, सॉरी जितने भी F1 generation के प्लांट थे, या जितने भी इनके क्रॉस से प्लांट बने, सारे के सारे लंबे थे. अब मेंडल के दिमाग में लगा, यार कुछ तो हो गया, क्या हो गया कि सारे प्लांट ऐसे लंबे हो गए. ठीक है, तब मेंडल के दिमाग में आया, क्यों ना हम इनके बीच पॉलिनेशन करवा दें. अब मेंडल ने क्या किया, इसको नाम दे दिया F1 जेनरेशन, जिसे हम फिलियल जेनरेशन भी कहते हैं, क्योंकि नाम तो कुछ ना कुछ देना ही पड़ेगा ना, नहीं तो कैसे पता चलेगा. जैसे कि मेरा नाम भाग्यश्री है, आपका नाम भी कुछ होगा, राइट, तो नाम तो देना ही है. तो इसीलिए जो ये लंबे प्लांट थे, इनको पहला जेनरेशन बना दिया, इनको F1 जेनरेशन बना दिया. अब मेंडल के दिमाग में, क्योंकि साइंटिस्ट तो होते ही थोड़े खुराफती दिमाग के हैं ना, कि जब तक उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा वो कुछ ना कुछ करते रहेंगे. तो सारे प्लांट लंबे हो गए, तो मेंडल को लगा यार छोटे प्लांट का कैरेक्टर कहाँ चला गया. तब मेंडल ने क्या किया, तब मेंडल ने इनके बीच दोबारा से पॉलिनेशन करवाया, एंड ही फाउंड दैट तीन प्लांट जो थे वो हमारे लंबे प्लांट थे, और एक जो प्लांट था वो बेचारा छोटा प्लांट दोबारा से आ गया. ठीक है, मेंडल ने ये ऑब्जर्व किया. अब मेंडल को लगा यार कुछ तो जरूर हुआ है. अब जब मैंने डायरेक्टली ग्रो किया, सारे लंबे थे, अब दो लंबे के बीच में जब हमने आपस में उनको पॉलिनेट करवाया, तो ये छोटा कहाँ से निकल गया. मेंडल को लगा कि नहीं कुछ तो है. तब मेंडल ने क्या देखा, तब मेंडल ने देखा कि कुछ तो है, कुछ हमारी होती है फैक्टर्स जो हो सकता है डोमिनेंट हो, और कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं जो रेसेसिव हो. तब मेंडल ने क्या किया, तब मेंडल ने फैक्टर वाली चीज निकाली, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम एलील्स भी कहते हैं. ठीक है, आज हम जानते हैं कि वो जीन है, बट मेंडल के टाइम में किसी को नहीं पता था जीन क्या है. तो मेंडल ने फैक्टर या एलील वर्ड यूज किया. मेंडल ने क्या कहा कि कुछ हमारे एलील्स होते हैं और वो हर किसी में प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, उनमें से कुछ क्या है, कुछ हमारे डोमिनेंट है और कुछ हमारे रेसेसिव है. रेसेसिव का मतलब कोई हमारा स्कूल कैप्टन होता है ना, और बाकी क्या होता है, स्कूल कैप्टन के आसपास घूमते रहते हैं. तो स्कूल कैप्टन इज अ डोमिनेंट वन. तो यहाँ क्या है, सेम चीज है, कुछ हमारे डोमिनेंट एलील्स है और कुछ हमारे रेसेसिव एलील्स है. अब होता क्या है, देखिए जब भी डोमिनेंट, मेंडल ने ये भी देख, एक मैथमेटिकली उन्होंने प्रूव करने की कोशिश की, क्योंकि मेंडल जो थे वो एक मैथमेटिशियन भी थे. तो उन्होंने कहा कि जब भी ये डोमिनेंट वाला रेसेसिव के साथ रहेगा, हमेशा डोमिनेंट रेसेसिव को क्या करेगा, दबा देगा, उसको एक्सप्रेस होने नहीं देगा. जो उसने ऑब्जर्व कहा किया था, उन्होंने ऑब्जर्व किया था इन दिस जेनरेशन, जिसने उन्हें नाम दिया F1 जेनरेशन. तो ही फाउंड दैट जब कैपिटल टी, दैट मीन्स अ डोमिनेंट एलील जो है,
और ये जो रेसेसिव एलील है इनको फ्यूज करवाया गया इन द F1 जनरेशन, तो सारे के सारे प्लांट जो थे टॉल थे बट उनकी जो जेनेटिक मेकअप थी, उनकी जो ये एलीली वाला सीन था वो चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि देखिए, ना ही अब वो प्रॉपर कैपिटल टी रहा और ना ही वो प्रॉपर स्मॉल टी रहा। लेकिन ऐसा क्या है, हमने यहाँ ऐसा क्यों कहा है कि ये दोनों कैपिटल टी है और ये दोनों स्मॉल टी है? क्योंकि देखिए, अभी मैंने कुछ देर पहले कहा था पी प्लांट आर सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट, तो जब वो आपस में सेल्फ पॉलिनेशन करेंगे तो जाहिर सी बात है कोई दूसरा जीन आने का कोई सवाल ही नहीं होता, राइट? बट मेंडल ने जानबूझ के दो अलग अलग प्लांट में क्रॉस करवाया और इसी क्रॉस के वजह से क्या हुआ, इसी क्रॉस के वजह से कैपिटल टी और स्मॉल टी की फॉर्मेशन हुई, ठीक है? तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कह सकते हैं कि ये एक हाइब्रिड है, ना ही उसमें प्रॉपर कैपिटल टी है और ना ही उसमें प्रॉपर स्मॉल टी है। बट हाँ, जस्ट बिकॉज कैपिटल टी है, जस्ट बिकॉज डोमिनेंट एलीली है, तो सारे प्लांट लंबे हो गए। बट वही दोबारा से उन्होंने अपना मैथमेटिक्स लगाया, उन्होंने देखा कि F2 जेनरेशन में तीन प्लांट लंबे थे और एक प्लांट छोटा था, तो लेकिन ये ऐसे हुआ कैसे? तो उन्होंने एक चार्ट बनाया। अब देखिए, जब भी कैपिटल टी स्मॉल टी फ्यूज्ड होंगे, इसमें हमेशा कैपिटल टी ही आएगा गैमेट में और इसमें से हमेशा स्मॉल टी ही आएगा गैमेट में। अब जिसके वजह से किसकी फॉर्मेशन हुई, कैपिटल टी स्मॉल टी। पर जब इनके बीच, जब ऐसे दो हाइब्रिड के बीच फ्यूज करवाया गया, तब क्या हुआ, दो टाइप के गैमेट की फॉर्मेशन हुई, वन इज कैपिटल टी, वन इज स्मॉल टी। यहां पे भी दो टाइप के गैमेट की फॉर्मेशन हुई, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। अब देखो, नॉर्मल उन्होंने मैट्स लगाया, कोई यहां बायो की चीज थी नहीं, नॉर्मल मैट्स लगाया उन्होंने कि जब ये कैपिटल टी इस कैपिटल टी के साथ बाइंड होगा तो दोबारा से कैपिटल टी बनेगा। दैट मीन्स ये जो प्लांट है ये क्या बनेगा, ये टॉल बन जाएगा, क्योंकि उन्होंने तो ये देख ही लिया था कि कुछ डोमिनेंट है और कुछ रिसेसिव है। दोबारा से उन्होंने कहा कि जब ये कैपिटल टी इस स्मॉल टी के साथ रिएक्ट करेगा, इट विल बी कैपिटल टी स्मॉल टी, बट क्या होगा, अब भी वो लंबा ही होगा क्योंकि अब भी कैपिटल टी वहां पे प्रेजेंट है। सिमिलरली उन्होंने इन दोनों को भी ऐड करके देखा, ठीक है, और इनको भी ऐड करके देखा और इससे उन्हें क्या मिला, इससे मिला कि तीन प्लांट जो है लंबे है, सिर्फ एक ऐसा प्लांट है जो छोटा है। यस, तो इनकी जो जेनेटिक मेकअप है इट विल बी समथिंग लाइक दिस, ठीक है, इस टाइप की उनकी जेनेटिक मेकअप होगी। और उनकी दोबारा से टी स्मॉल टी की कॉम्बिनेशन होने के वजह से, इनकी एलीली के मिलने के वजह से F2 जेनरेशन में ये एक्सप्रेस हो पाया, ठीक है। तो ये था मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जिसमें उन्होंने सिर्फ और सिर्फ हाइट ऑफ द प्लांट को लिया था। बट व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, क्या मिला मेंडल को मोनोहाइब्रिड क्रॉस से, क्या सीखा उन्होंने? सबसे पहली चीज जो उन्होंने सीखा था कि ये जो फैक्टर्स है, ठीक है, और ये जो एलिलीज है, ये हमेशा पेयर्स में होते हैं, ठीक है, ये हमेशा पेयर्स में होते हैं। प्लस क्या है, वन ऑफ देम इज डोमिनेंट, ठीक है, वन इज डोमिनेंट एंड अनदर वन इज रिसेसिव, और हमेशा डोमिनेंट क्या करेगा, डोमिनेंट हमेशा रेसेसिव को सप्रेस करेगा। जहां पे भी डोमिनेंट रहेगा रेसेसिव के साथ, रेसेसिव अपने आप को नहीं एक्सप्रेस कर पाएगा। ये था मेंडल मोनोहाइब्रिड क्रॉस का पहला, क्या था, इट इज दी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। सेकंड, इसी से उन्होंने एक लॉ बनाया था, दैट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है, वो हम आगे जाके देखेंगे, बट फिलहाल हम बस एक्सपेरिमेंट देखेंगे कि मेंडल को क्या मिला था, लॉ ऑफ डोमिनेंस। एंड सेकंड क्या मिला, सेकंड उनको मिला था उनका ही सेकंड लॉ, दैट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अगेन आई एम रिपीटिंग, हम ये सारे लॉज आगे जाकर देखेंगे, फिलहाल हमें जानना है कि मेंडल ने अपने मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस से क्या सीखा, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, प्लस क्या कि हमेशा एलील्स जो है वो पेयर्स में होते हैं। ओके, अब आते हैं मेंडल के दूसरे एक्सपेरिमेंट में, दैट इज अ डाई हाइब्रिड क्रॉस।
एंड अगेन यहाँ क्या है, डाई का मतलब टू होता है, डाई बाई, इट सिंपली मीन्स टू. तो डाईहाइब्रिड क्रॉस में क्या क्या, मेंडल ने दो कैरेक्टर्स लिए, ठीक है, दो कैरेक्टर्स लिए. एंड अगेन एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, व्हाट आर दोज कैरेक्टर्स, क्या है वो कैरेक्टर्स. सबसे पहले क्या है, सीड का शेप, एंड द सेकेंड वन इज द सीड कलर. यस, सो द टू कैरेक्टर्स आर शेप एंड सीड कलर. ठीक है, दो कैरेक्टर लिया. यहां आप देख सकते हो कुछ हमारे सीड क्या थे, कुछ हमारे राउंड येल्लो थे और कुछ हमारे क्या थे, ग्रीन और रिंकल थे, कुछ हमारे ग्रीन और जो भी थे. दिस आर द बेसिकली रिजल्ट ऑफ द एफ टू जनरेशन. बट अगर हम एकदम फर्स्ट फर्स्ट देखें कि मेंडल ने क्या दो कैरेक्टर लिए थे, तो फर्स्ट मेंडल ने दो कैरेक्टर लिया, दैट इज राउंड एंड येल्लो सीड. ठीक है, दैट इज आर आर वाई वाई, क्योंकि उनका मानना था कि राउंड जो है वो एक डोमिनेंट कैरेक्टर है और येल्लो जो है वो एक डोमिनेंट कैरेक्टर है. तो उन्होंने राउंड एंड येल्लो सीड लिया और उनको क्रॉस करवाया गया किसके साथ, रिंकल एंड ग्रीन सीड के साथ. ठीक है, एंड अगेन रिंकल विल बी स्मॉल आर एंड ग्रीन इज स्मॉल वाई, क्यों, क्योंकि उनका मानना था कि ये जो थे ये हमारे रेसेसिव कैरेक्टर थे. दैट मीन्स जब भी रिंकल और ग्रीन येल्लो और राउंड के साथ प्रेजेंट होगा, हमेशा सिर्फ और सिर्फ येल्लो और राउंड ही एक्सप्रेस होंगे. और यही हुआ, जब उनकी इन दोनों के बीच उन्होंने क्रॉस करवाया, द एंटायर एफ वन जनरेशन, जो पहला जनरेशन था, सारे के सारे हमारे क्या बने, सारे के सारे हमारे बने राउंड एंड येल्लो. बट उनकी क्या चेंज हो गई, उनकी जेनेटिक मेकअप चेंज हो गई. ठीक है, वो अब प्योर नहीं रहे, क्यों, क्योंकि स्मॉल आर और स्मॉल वाई दूसरे वाले पेरेंट से आकर मिक्स्ड अप हो गए. ठीक है, तो थे तो अब भी राउंड एंड येल्लो, बट जेनेटिक मेकअप चेंज हो गई. अब मेंडल ने क्या किया, मेंडल ने वही चीज किया, मेंडल को अब भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, तो मेंडल ने कहा कि नहीं चलो अब हम दोबारा से इनको पॉलिनेट करवाते हैं. तो दोबारा से मेंडल ने क्या करवाया, एफ वन प्लांट को इनको आपस में पॉलिनेट करवाया. एंड व्हाट वाज द रिजल्ट ही ऑब्जर्व्ड, मेंडल ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट देखा एंड उन्होंने उसको एक टेबल के फॉर्म में फॉर्मुलेट किया. दिस इज द टेबल एंड दिस टेबल इज कॉल्ड प्यूनेट स्क्वायर. इस टेबल को हम कहते हैं प्यूनेट स्क्वायर. और इसी के हेल्प से मेंडल ने ऑब्जर्व किया कि एफ टू जेनरेशन में बहुत ही अलग अलग तरीके के कॉम्बिनेशंस बने. कॉम्बिनेशंस क्या बने, देखिए राउंड एंड येल्लो, ठीक है, राउंड एंड येल्लो, दिस वॉज द ओरिजिनल कंपोजिशन, ये तो बने ही बने. बट उसके अलावा देखिए रिंकल एंड ग्रीन, दिस वन इज ऑल्सो ओरिजिनल कंपोजिशन. बट इसके अलावा भी नए कॉम्बिनेशंस बने, जैसे कि ग्रीन एंड राउंड. यहां आप देख सकते हो ग्रीन कलर का है लेकिन राउंड है, वैसे ही रिंकल्ड एंड येल्लो. तो ये क्या है, ये भी हमारे कुछ नए कॉम्बिनेशंस बने जो पेरेंट में नहीं था. पेरेंट का था कि येल्लो है तो राउंड है, ग्रीन है तो रिंकल है. बट एफ टू जेनरेशन में बहुत सारे नए नए कॉम्बिनेशंस मिले. तो इससे भी मेंडल को कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मिले. और क्या था, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ दिस डाई हाइब्रिड क्रॉस. रिजल्ट की बात करें तो सबसे पहले मेंडल को क्या ऑब्जर्व हुआ, दैट इज द इंडिपेंडेंस ऑफ कैरेक्टर. ठीक है, इंडिपेंडेंस ऑफ कैरेक्टर्स, दैट मीन्स जो भी कैरेक्टर्स है वो इंडिपेंडेंट है, वो किसी त्रुटि में नहीं है. अब जैसे हमारे स्कूल्स में क्या होता है कि ये अगर मेरा फ्रेंड है तो ये मेरे साथ ही जाएगा, इस टाइप की कंडीशंस यहाँ नहीं है. अगर राउंड एंड येल्लो फ्रेंड है तो जरूरी नहीं है वो हमेशा फ्रेंड ही रहे, हो सकता है कभी कभार येल्लो जो है वो रिंकल के साथ भी घूमने चले जाए, हो सकता है राउंड कभी ग्रीन के साथ भी घूमने चले जाए. देयर इज नो हार्ड एंड फिक्स्ड रूल. यही मेंडल ने ऑब्जर्व किया अपने डाई हाइब्रिड क्रॉस में कि कैरेक्टर्स इंडिपेंडेंट है, उनमें कोई ट्रिटी साइन नहीं है कि मैं हमेशा इसके साथ ही जाऊंगा और इसके साथ नहीं जा पाऊंगा. और इसी को मेंडल ने एक लॉ बना दिया, दैट इज द थर्ड लॉ ऑफ मेंडल, दैट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. ठीक है, सो ये थे मेंडल के दो एक्सपेरिमेंट. एक था मोनोहाइब्रिड क्रॉस जिसमें सिर्फ टॉलनेस उन्होंने लिया, एंड दूसरा था डाई हाइब्रिड क्रॉस जिसमें उन्होंने सीड के कलर को और शेप को
यूज किया गया, और दोनों में ही उन्होंने ऑब्जर्व किया डोमिनेंस वाला रूल तो है ही है, प्लस क्या है एलिलीज जो है उनमें सेग्रीगेशन भी होती है, प्लस क्या है यहां हमने देखा कि वो इंडिपेंडेंट होते हैं, उनमें कोई ऐसा हार्ड फास्ट रूल नहीं होता। अब हम थोड़ा सा इन डिटेल देखेंगे कि आखिर मेंडल के जो ये लॉज थे किस तरीके के लॉज थे, क्या था लॉ ऑफ डोमिनेंस सेग्रीगेशन एंड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो हम इसको थोड़ा सा एक कहानी की तरह समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखिए, वी मेक फ्रेंड्स इन आवर स्कूल्स, राइट, हम फ्रेंड्स बनाते हैं, बट क्या वो फ्रेंड हमेशा रहते हैं? मे नॉट बी पॉसिबल, राइट। कभी कभार होता है कि फ्रेंड्स ठीक है रह जाते हैं पूरा लाइफ टाइम, कभी कभार नहीं रहते। तो मेंडल की लॉ भी इसी तरीके से है कि सबसे पहले हम फ्रेंड्स बनाते हैं, ठीक है, तो फ्रेंड्स बनाते हैं, दैट मीन्स एलिलीज, एलिलीज क्या है, हमेशा पेयर्स में रहते हैं, तो हम फ्रेंड्स भी क्या होते हैं, हमेशा वी यूज टू रिमेन इन पेयर, वी यूज टू रिमेन इन ग्रुप। बट उसी ग्रुप में क्या होता है, कुछ हमारे ऐसे फ्रेंड होते हैं जो थोड़े डोमिनेंट होते हैं, कुछ फ्रेंड होते हैं कि चुपचाप रहते हैं और साथ साथ ग्रुप में घूमते रहते हैं। तो एलिलीज का भी वैसा ही है, कुछ एलिलीज क्या होते हैं, डोमिनेंट होते हैं, बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव होते हैं, और वही कुछ एलिलीज क्या है, रेसेसिव है। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है, लॉ ऑफ डोमिनेंस है कि एलिलीज आर इन पेयर्स एंड One is dominant and another one is recessive. और जब भी dominant रहेगा along with the recessive, तब क्या होगा? Dominant will always mask the effect of recessive. ठीक है, ये था मेंडल का पहला लॉ, दैट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस। हम इतना एलिली एलिली क्यों करें, हम जनरल लाइफ से भी देख सकते हैं, कुछ फ्रेंड्स डोमिनेंट है, कुछ हमारे रेसेसिव है। ओके, अब देखो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है। अब आप मान लो डोमिनेंट बहुत ज्यादा डोमिनेंट हो गया, आपका भी कोई एक फ्रेंड होगा बहुत ज्यादा डोमिनेंट है, तू ये मत कर, तू वो मत कर, तू ये कर ले, तू वो कर ले, तो एक टाइम में क्या होगा, आपको लगा यार रहना ही नहीं है मुझे इसके साथ, राइट, लगेगा ऐसा, फिर आप क्या करोगे कि नहीं थोड़ा साइड कर लो, कहीं और आप रह लो। तो यही चीज क्या है एलिली के साथ भी है। अब जब डोमिनेंट और रेसेसिव साथ साथ तो होते हैं, बट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम जब हमारे गैमेट की फॉर्मेशन आती है, तब एलिलीज का क्या होता है, एलिलीज का भी ब्रेकअप हो जाता है, एलिलीज भी सेग्रीगेट हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। सेग्रीगेशन का मतलब है सेपरेट होना, ठीक है। सो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है, इट इज सिंपली द सेपरेशन ऑफ एलिलीज, ठीक है, इट इज सिंपली द सेपरेशन ऑफ एलिलीज। और किसके टाइम पे होता है, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, कि जो भी एलिलीज है वो हमेशा ग्रुप में नहीं रहते हैं, गैमेट में वो ग्रुप में नहीं जाते हैं, वो सेपरेट हो जाते हैं, और उसके बाद सिर्फ आधा ही एलिली है या सिर्फ एक ही पार्ट होगा जो किसी भी गैमेट में जाएगा। दिस इज द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब आप देखो फ्रेंड से आप गुस्सा हो गए, आप सेपरेट हो गए, आपने बोला कि नहीं अब इसके साथ रहना नहीं है मुझे, अब आप क्या करोगे, यू विल स्टार्ट अप फाइंडिंग समवन बेटर। अब अच्छे फ्रेंड आप ढूंढोगे कि कोई अच्छा फ्रेंड हो जाए जिसमें मतलब हम ठीक से रहे, हम स्कूल में अच्छी तरह पढ़ाई करें, अच्छी तरह हम खेले, तो यू विल स्टार्ट चोरिंग फॉर इट। तो एलिलीज के टाइम पे भी वही है, एलिलीज भी क्या करेगा, आफ्टर सेग्रीगेशन हो गया सेग्रीगेशन तो फर्टिलाइजेशन भी हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा, एलिलीज जो है इट विल स्टार्ट असॉर्टिंग इटसेल्फ रैंडमली। जरूरी नहीं है कि ये मेरा फ्रेंड है तो मैं इसी के साथ स्कूल में बैठूंगा, इसी के साथ मैं स्कूल में खेलूंगा, जरूरी नहीं है। सो एलिलीज का भी वही है, देयर इज नो हार्ड फास्ट रूल, एलिलीज रैंडमली क्या करेंगे, दे विल स्टार्ट मिक्सिंग अप, दे विल स्टार्ट असॉर्टिंग, ठीक है। क्योंकि देखो ये तो रूल है कि उनको साथ ही रहना है, उनको पैर में ही रहना है, बट किसके साथ रहना है, ये एलिली का एक रैंडम प्रोसेस है, एंड दैट इज द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। जरूरी नहीं है, जो अभी हमने मेंडल के एक्सपेरिमेंट में देखा था राउंड एंड येल्लो, तो हमेशा राउंड येल्लो के साथ ही रहे, देयर इज नो रूल। राउंड कभी कभार ग्रीन के साथ भी जा सकता है, एंड सिमिलरली येल्लो जो है वो रिंकल के साथ भी जा सकती है। तो तीन हमारे बेसिक रूल्स है मेंडल्स के, पता नहीं बच्चों को क्यों डिफिकल्टीज आते हैं, तो आई गेस इस वीडियो के बाद आपको नहीं डिफिकल्टी फेस होगी। तीन ही लॉ है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अगर हम
इस पिक्चर को देख के थोड़ा रिलेट करेंगे, तो अब हम इस तीनों लॉ को हम नहीं भूलेंगे. एंड अगेन आई एम रिपीटिंग फॉर दिस टाइम, फिलहाल के एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये तीन लॉज प्लस मेंडल्स एक्सपेरिमेंट. ठीक है, तो याद तो हमें रखना ही रखना है. अब देखिए थोड़ा सा हम देखेंगे, हमने देख लिया एलीली एलीली असॉर्ट होता है, मिलता है, बिगड़ता है, कुछ ना कुछ होता रहता है. बट किस तरीके से कोई भी ट्रेट एक्सप्रेस होता है, किस तरीके से स्किन कलर, अब कोई हो सकता है पेरेंट्स स्किन कलर हमें मिलता है डेफिनेटली, कोई हो सकता है थोड़ी ब्राउनिश शेड में हो, कोई येलो शेड में हो, बट किस तरीके से ये सारे चीज़ें एक्सप्रेस होती है, किस तरीके से हमारे आई कलर हमारे पेरेंट्स से मिलती है, किस तरीके से हमारी ग्रोथ पैटर्न हमारे पेरेंट्स से मिलती है, किस तरीके से आखिर ये एक्सप्रेस होती है. तो सबसे पहले देखिए, दिस इज अ डीएनए. ठीक है, ये डीएनए है और डीएनए में क्या होगा, डीएनए में होगा जीन्स. जीन्स क्या था, जीन्स आर द सेगमेंट ऑफ डीएनए जिससे हमारे क्या बनेंगे, प्रोटीन. दैट मीन्स जीन्स में इंफॉर्मेशन होगा, जीन्स में कोड छुपे होते हैं जो हम आगे जाकर देखेंगे, जिन्हें हम जेनेटिक कोड भी कहते हैं. बट अभी भूल जाओ, अब ये देखो कि जीन्स में कुछ सीक्रेट्स होते हैं, कुछ कोड्स होते हैं, और इन्हीं कोड्स को डिकोड करके क्या बनता है, डिकोड करके बनता है प्रोटीन्स. कौन बनाता है प्रोटीन्स, इट इज आवर राइबोसोम्स. राइट, सेल में हमारे राइबोसोम्स होते हैं जिनमें प्रोटीन की सिंथेसिस होती है. सो जो भी हो, जीन से इंफॉर्मेशन आएगा, राइबोसोम बनाएगा प्रोटीन. अब ये प्रोटीन किस तरीके से हमें ग्रोथ दिलवा सकती है, किस तरीके से ये प्रोटीन ग्रोथ में हेल्प करेगी, सबसे पहले देखो दो पाथवे हो सकता है. सबसे पहले तो ये एंजाइम बनाएगी. ठीक है, एंजाइम क्या था, एंजाइम्स आर बायो कैटलिस्ट. दैट मीन्स जो किसी भी केमिकल रिएक्शन को दोहरा सकती है, उसको बहुत ही कम टाइम में फिनिश करवा सकती है. और एंजाइम्स के बनते ही क्या होगा, ग्रोथ वाला जो प्रोसेस है वो फास्टन हो जाएगी और हमारी ग्रोथ बहुत ही जल्दी जल्दी शुरू हो जाएगी. ठीक है, सो दिस इज नंबर वन पॉइंट. एक तो ये पॉइंट है. सेकेंड पॉइंट क्या हो सकता है, प्रोटीन से कुछ हमारे हॉर्मोन्स भी बन सकते हैं. और ये हॉर्मोन्स क्या करेंगे, ये हॉर्मोन्स अगेन डायरेक्टली इनडायरेक्टली विल लीड टू द ग्रोथ. तो बहुत सारे पाथवेज हो सकते हैं, बहुत सारे तरीके से हमारे ट्रेट्स एक्सप्रेस हो सकते हैं. या तो एंजाइम्स बनके वो किसी रिएक्शन को नतीजा दे दे कि हमारी ग्रोथ बढ़ जाए, या तो वो हॉर्मोन्स बनके डायरेक्टली हमारे और इनडायरेक्टली हमारे ग्रोथ को स्टिमुलेट करें. तो दिस आर सम वेज थ्रू विच द जीन्स और द कैरेक्टर्स गेट एक्सप्रेस्ड. तो अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज आवर नेक्स्ट टॉपिक अबाउट सेक्स डिटर्मिनेशन. तो सबसे पहले व्हाट इज सेक्स डिटर्मिनेशन, सेक्स डिटर्मिनेशन होता क्या है. तो सिंपली इट इज द डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स ऑफ अ चाइल्ड और ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. ठीक है, कोई भी चीज हो सकता है, कोई ऑर्गेनिज्म हो सकता है या ऑफ अ चाइल्ड हो सकता है. सो सेक्स डिटर्मिनेशन का मतलब है कि हम डिटरमाइन कर रहे हैं कि ये जो फिटस है या ये जो ऑर्गेनिज्म है वो किस में डेवलप होगी, आइदर इन अ फीमेल और अ मेल. ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एमनियोसेंटेसिस इन ह्यूमंस, जो कि इंडिया में बैंड है. वाई, बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव डेथ और बिकॉज यहाँ पे फीमेल इन्फेंटिसाइड्स होते हैं. ठीक है, तो इस तरीके कुछ रीजन की वजह से यहाँ पे बैंड है. बट तो डैट ऑल्सो बहुत सारे ऐसे होते हैं ह्यूमन जिनको लगता है कि सेक्स डिटर्मिनेशन इज अ वेरी गुड थिंग. बट देखो, हर एक चीज की मेरिट्स एंड डीमेरिट्स होती है, एंड इवन सेक्स डिटर्मिनेशन हैज सम मेरिट्स एंड डीमेरिट्स. ठीक है, अब कैसे हम ह्यूमन में सेक्स को डिटरमाइन करते हैं और कैसे हमारे अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में सेक्स डिटरमाइन होंगे, इस टॉपिक में हम वो देखेंगे. बट उसको देखने से पहले हमें एक छोटी सी चीज जाननी है कि वॉट आर सेक्स क्रोमोजोम्स, सेक्स क्रोमोसोम्स क्या होते हैं. अब सबसे पहले देखिए, देयर आर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन. ठीक है, सिर्फ ह्यूमन की ही बात करें तो हमारे बॉडी में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम है, या मान लो 46 क्रोमोसोम्स हमारे बॉडी में होते हैं. अब इनमें से जो 22 पेयर्स है, ठीक है, जो 22 पेयर्स होते हैं, ये क्या है, दे आर ऑटोसोम्स. और सिर्फ एक ऐसा पेयर है जो क्या है, विच इज आवर सेक्स क्रोमोसोम.
अब ऑटोजोम का मतलब है कि इट कंट्रोल्स आवर नॉर्मल बॉडी फंक्शन, मेरी आई की कलर कैसी होगी, बाल कैसे होंगे, कर्ली होंगे, वेवी होंगे, किस कलर के होंगे, स्किन कैसा होगा, फिर मेरी मेटाबॉलिज्म कैसी होगी, को जितने भी नॉर्मल कैरेक्टर्स है, ठीक है, जितने भी नॉर्मल कैरेक्टर्स है उनको जो हमारे क्रोमोसोम्स का कंट्रोल करते हैं दे आर ऑटोसोम्स। एंड सिर्फ एक ऐसा पेयर ऑफ क्रोमोसोम है जो क्या करते हैं हमारे सेक्स को डिटरमाइन करते हैं कि अच्छा ये क्रोमोसोम है तो इसमें ब्रेस्ट की डेवलपमेंट होगी, इसमें यूटरस की डेवलपमेंट होगी, इसमें क्या होगा ओवरऑल ये फीमेल में डेवलप होगी। अच्छा ये क्रोमोसोम है तो इसमें ऐसा कोई डेवलप कुछ नहीं होगा, इसमें ये सारे कैरेक्टर जैसे कि एक्सेसिव हेयर्स ऑन चेस्ट, फिर किसी किसी में होता है तो कान में भी हेयर्स आते हैं, तो इस तरीके के कैरेक्टर्स हो रहा है तो ओके, तो इट विल डेवलप, टेस्टिस की डेवलपमेंट होगी सो इट विल डेवलप इन टू अ मेल। तो ऐसे कुछ हमारे क्रोमोसोम्स है, सिर्फ ओनली वन पेयर ऑफ सच क्रोमोसोम्स जो किसी भी इंसान के सेक्स को डिटरमाइन करते हैं और इसी क्रोमोसोम को हम कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स, ठीक है, इसी को हम कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम। अब ये क्या है, इन टर्म्स ऑफ फीमेल एक्स एक्स होता है एंड इन टर्म्स ऑफ मेल एक्स वाई होता है, ठीक है, ह्यूमन में यही है। उसके अलावा देखिए ग्रास ऑपर होता है उसमें एक्स ओ टाइप भी होता है, बहुत सारे टाइप पाए जाते हैं, बर्ड्स में भी अलग होते हैं, बट वहां फिलहाल अभी हमें नहीं जाना, हमें बस देखना है कि ह्यूमन में क्या होता है क्रोमोसोम, इट इज एक्स एक्स इन फीमेल एंड एक्स वाई इन मेल। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, दैट इज द डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स दैट इज नॉट जेनेटिकली इन्वॉल्व्ड। अब हमें तो पता चल गया कि हमारे बॉडी में सेक्स क्रोमोसोम है, अगर दो एक्स एक्स क्रोमोसोम है तो फीमेल है, अगर एक एक्स और एक वाई है तो मेल है, बट कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें क्रोमोसोम की जरूरत नहीं पड़ती उनके सेक्स को डिटरमाइन करने के लिए, जैसे कि इंसेक्ट्स होते हैं कुछ, ठीक है, सिल्क वर्म होता है, तो उनमें क्या होता है दूसरे फैक्टर्स डिटरमाइन करेगा कि ये किस में डेवलप होगा, जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है स्नेल्स, ठीक है, स्नेल्स हो गया, देन हमारे कुछ रेप्टाइल्स हो गया, इनकी सेक्स डिटरमाइन करती है कि फूड की अवेलेबिलिटी कितनी है, टेम्परेचर कैसा है, किस तरीके का कंडीशन है जब भी वो डेवलप होंगे। तो बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट्स भी होते हैं कि अगर अबंडेंट फूड होता है दे विल डेवलप इनटू फीमेल, क्यों, क्योंकि फीमेल को ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी क्योंकि उसको पूरी फिर डेवलपमेंट करनी है चाइल्ड की, राइट, बट वही अगर कम फूड की अवेलेबिलिटी है तो इट माइट डेवलप इनटू डिफरेंट फॉर्म्स एज वेल। तो इस तरीके से टेम्परेचर का भी होता है, टेम्परेचर के ओपन भी किसी किसी ऑर्गेनिज्म का सेक्स डिटर्मिनेशन हो जाता है, बट यहाँ क्या है मेनली जीन्स आर नॉट इन्वॉल्व, यहाँ क्या होगा, यहाँ सिर्फ और सिर्फ एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो है वो डिटरमाइन करेंगे, एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो गया या फूड की अवेलेबिलिटी हो गई, तो इनके ऊपर डिपेंड करेगा कि इनकी सेक्स किस तरीके से डेवलप होगी, बट ह्यूमन में ऐसा कुछ नहीं है, आपको खाना मिले ना मिले, टेम्परेचर 50 डिग्री हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अगर मेल हो गए तो आप मेल ही रहोगे, अगर कोई और फीमेल हो गया तो वो फीमेल ही रहेगा, ठीक है, वाई, बिकॉज इन आवर टर्म्स आवर जीन्स आर इन्वॉल्व, ठीक है, हम जेनेटिकली मेल एंड फीमेल है, हमारी क्रोमोसोम ही अलग है, जो अभी मैंने बताया था इन टर्म्स ऑफ मेल इट इज एक्स वाई एंड इन टर्म्स ऑफ फीमेल इट इज ऑलवेज एक्स एक्स, ठीक है। अब देखिए गैमेट की अगर हम बात करें, फीमेल से हमेशा एक्स की ही गैमेट बनेगी, दैट मीन्स जितने भी ओवरी में हमारे जितने भी हमारे एक्स सेल्स बनेंगे सब में सिर्फ एक ही क्रोमोसोम होगा एक्स 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 एक्स, ठीक है, बट वही अगर मेल में देखें तो स्पर्म सेल्स दो टाइप के बन सकते हैं, कुछ हमारे स्पर्म सेल्स बनेंगे जिसमें एक्स क्रोमोसोम होगा, कुछ हमारे स्पर्म सेल्स बनेंगे जिसमें वाई क्रोमोसोम होगा, तो दो टाइप के गैमेट्स हमारे मेल में बनते हैं। अब डिपेंड करेगा कि गैमेट कौन सा मेल से आ रही है, अगर मेल से एक्स गैमेट आई तो एक्स और एक्स मिलकर हमेशा डॉटर की फॉर्मेशन करेगी, अगर मेल से वाई वाली स्पर्म सेल आई तो एक्स एंड वाई मिलकर मेल की फॉर्मेशन करेगी, ठीक है। तो सेक्स डिटर्मिनेशन की अगर हम बात करें, एग्जैक्टली पेरेंट में से कौन सा पेरेंट होगा जो डिटरमाइन करेगा द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड, इट इज द फादर, क्यों, क्योंकि पापा के ही स्पर्म सेल डिसाइड करेगी कि उसमें एक्स आएगा या वाई आएगा, एंड डिपेंडिंग अपॉन दैट
डेवलप होगी फिटस की. अगर वाई आया तो इट विल डेवलप इनटू मेल, अगर एक्स आया देन इट विल डेवलप इनटू फीमेल. तो पता नहीं इंडिया में हमेशा औरतों को ही क्यों बोला जाता है अलग अलग गंदे गंदे टर्म्स से, जबकि साइंटिफिकली अगर हम देखें मेल आर रेस्पॉन्सिबल फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ द सेक्स, राइट. तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड में आता है कि सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है, सेक्स क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, प्लस ह्यूमन की सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होती है, प्लस इससे रिलेटेड देखो क्वेश्चन इस तरीके से भी आते हैं कि मेल जो है व्हाई मेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स. तो हमें ये चार्ट याद रखनी है, प्लस हमें क्रोमोसोम्स के ऑर्डर याद रखने हैं कि फीमेल में हमेशा एक्स एक्स होंगे और मेल में हमेशा एक्स वाई होंगे. बस हमें इस बार के एग्जाम के लिए इतना ही याद रखना है. सो आई जस्ट होप यू लाइक द वीडियो. थैंक यू. पढ़ाई करते रहें. ऑल द वेरी बेस्ट.